लगता है तो अच्छा लगता है, मतलब 31,000 जब से भाई। हाँ ये इंटरकॉम ओके ओके ठीक है। रोशी भाई आपका? मेरा 40-45 मेरा हेलमेट थोड़ा महंगा ओके ये ज्यादा है। मिशन की लाइफ कम है ना क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपर वैसी बाइक है, मतलब स्पोर्ट्स टायर है ना, फुल ट्रैक एडिशन आते हैं स्लिप टायर मतलब ये आता है मीडियम सॉफ्ट। देखिए कोई आपकी बाइक में चिल मचाएगा हल्की फुल्की छेड़खानी तो करे तो भाई बाइक से अटैच होता है ना, मैं सीधा मतलब मना तो नहीं करता, मैं किसी को बोल दूं भाई अभी गंदी हो रही बात है ना तो नहीं करवाता। इसकी एक बात है आप इसे बाइक मांगोगे ना ये कभी छूने भी नहीं देगा, पता है मुझे असलम मांगते भी नहीं, हमें पता है ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज, और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज होने वाली R15 फुली मॉडिफाइड वर्सेस रोशी भाई की जो RR 310 है फुली मॉडिफाइड। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं भाई लोगों के पास और बातचीत करते हैं दोनों से, और बने रहना ब्लॉग में, काफी मजा आने वाला है। चलो भाई लोग कैसे हो? रोशी भाई कैसे हो? शिवांश भाई कैसे हो? तो शिवांश भाई पहले थोड़ा इंट्रो बताओ, बाइक के बारे में कुछ बता दो थोड़ा। तो गाइस ये है आपकी R15 V4 2023 मॉडल जो मैंने ली थी जून में, और आपको पता ही है इसके बारे में, काफी फेमस बाइक है, काफी ज्यादा मतलब बिक चुकी है ये। बाकी इंट्रो की जरूरत नहीं है, बाकी रोजी बताएगा। बाकी रोजी भाई कैसे हो यार? बस बढ़िया भाई। तो रोजी भाई थोड़ा आप भी एक बार इंट्रो दे दो, वैसे आपको तो सारी पब्लिक जान चुकी है हमारे जितने भी यूट्यूब जो इतने सब्सक्राइबर थे, पर फिर भी थोड़ा बहुत बताओ भाई। ये मेरी रोजी RR 310 ओके बिल्ट टू ऑर्डर की रेसिंग किट वाली है, 5,000 रुपए ज्यादा ओके 2023 मॉडल है अक्टूबर का। इसमें हमारा TFT डिस्प्ले आ जाता है ओके। बाकी टॉर्क और पावर की बात करूँ तो 34 BHP की पावर 9,700 RPM पे और 27.3 Nm का टॉर्क 7,700 RPM। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें काउल लगा रखा, थोड़ी मॉडिफाई कर रखी है, ठीक है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा कर रखी है। रोजी भाई जैसे ना यार दो तीन मतलब बंदों का मेरे पे ऐसा कमेंट आया कि रोजी भाई बोलता है मेरी BTO है, पर कैसे पता चलेगा कि उसकी BTO है, कुछ निशानी बताओ भाई। पहले तो अगर बंदा होगा फीडबैक देख के पसंद आएगा, ठीक है भाई। मैं पूछ रहा था आप लोगों से, जैसे बहुत सारे बंदों के दिमाग में चुल रहती है कि रोजी भाई बोलता है BTO है, क्या है इसमें BTO जैसी खासियत, कुछ बताओ तो आज। चलो बता दो, मतलब चार ही बताऊंगा। हाँ बता दो। पहले तो जो आप नॉर्मल देखोगे अपने RR 310 देख लो, उसको देख लो ओके, बल्कि सी आगे से ओके, वाइजर भी थोड़ा लग है। हाँ जी। उसमें थोड़ा ना एरोडायनामिक है, पतली है ओके। दूसरी चीज के फुटबैक्स आपके वाले में देखो रबड़ लगा, रबड़ लगा हुआ ठीक है, पर देखो बहुत सारे बोल रहे हैं फुटबैक्स तो आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करा सकते हो। चलो हैंडल बार देख लो, अंदर की तरफ इंक्लाइंड है, एग्जॉस्ट पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ से आ रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से आ रहा है ओके। ये ऐसे में है ताकि लीन करते समय दिक्कत ना हो ओके। बाकी बाइक आपकी 6,000 किलोमीटर चल गई है, 5,000 और बाकी दोनों भाई अपने साथ सागर भी है और समीर भाई तो है ही। तो भाई शिवांश कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ शिवांश देखने जा रहा है कि भाई देखो तो क्या है। सच में लगा, देख खड़ी करके दिखाऊंगा तेरे को, इसका हैंडल लग रहा पूरा लग रहा। हाँ हैंडल लग रहा, फेस भी देखिए, सब फेस भी। शिवांश भाई और रोजी भाई दोनों में से सबसे ज्यादा कीड़ा किसके अंदर है मॉडिफिकेशन का? दोनों में ही है, साथ में ही, साथ ही झूठ की बोलना। उस दिन हम दोनों ना साथ में गए थे मॉडिफिकेशन, पहले इसकी कराए, पूरा एक दिन रुके, सुबह के 9 बजे गए थे और रात के 12 बजे वापस आए। अगले दिन मेरे गए, हम सुबह के 10 बजे गए थे, रात के 11-12 बजे वापस आए, 11-12 बजे वापस आए ओके। अब दोनों भाई मॉडिफिकेशन से काफी ज्यादा लगा है, तो मैं से बोलता हूँ ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कुछ लगाता है पूछता, मेरी R5 में अच्छा लगेगा, ड्यूक में ये लगा दूं, एक दूसरे को हम सजेशन देते मतलब दोनों बाइक एंथुसियास्ट हो, बहुत तगड़े वाले। अब बाइक मॉडिफिकेशन की जो अर्ज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, किसे देख के इंस्पायर हुए, या जब बचपन से क्या हो रहा था थोड़ी? मैं अपना कहानी बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ। एक दिन मैं स्कूटी से ऋषिकेश से घर आ रहा था ओके, तो मेरे सामने से GS फिल्म की पूरी टीम जा रही है, कितनी भयंकर बाइक लग रही है। उस टाइम तो मैंने YouTube में देखा कि वो मतलब बाइक भी बहुत पॉपुलर थी ना, मुझे लगा ये उनकी तरह बाइक, उनकी तरह बाइक, सुपर बाइक लगती है, सुपर बाइक की तरह ही है, सुपर बाइक का लेवल, सही बात है। तो मैंने वो देखी, सेम बात थी, मैंने ऐसी है हमें पता नहीं था कुछ, बस हमने बाइक ले ली लुक के लिए, मतलब बाइक के बाद जब एग्जॉस्ट लगा मैंने बोला आवाज तो अलग आ रही है यार, पूरा अलग था मैंने बाइक की आवाज। और एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे बाइक जब कोई बाइक नहीं थी आप लोगों के पास, तो आपके मन में जब बाइक लेने का आया तो आपने क्या सोचा कि यार कैसी बाइक लेनी है, आई कैची लेनी है बाइक, या भगाने वाली लेनी है, या स्टंट वाली? आपको बताया मेरा सबसे मेन, सबसे पहले लुक और उसकी आवाज, सबसे पहले लुक और आवाज। और रोजी भाई आपका, आपका भी सेम ही है ओके। अब मॉडिफिकेशन बता दो दोनों, लुक हाँ ठीक, आवाज और स्टेबिलिटी। तो मैं दोनों भाई से ये पूछ रहा था कि जैसे आप लोगों के पास महंगी महंगी बाइक हैं,
कोई आपकी बाइक को देख के खुश होता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा आता है। कोई आप लोगों को देख के इंस्पायर होता है तो अच्छा लगता है? बाइक पे अपने पैर घिसर घुसर के बैठे ना तब तक, तब तक दूर से देखे कोई आपकी बाइक में चिल मचाएगा, हल्की फुल्की छेड़खानी तो करे, बाइक से मतलब मना तो नहीं करता मैं किसी को, बोल भाई अभी गंदी हो रही बात है। इसकी एक बात है, अभी से बाइक मांगोगे ना ये कभी छूने भी नहीं, छूने देगा। पता है मुझे असलम मांगते भी नहीं, हमें पता है, हमें पता है। ठीक है, अब दोनों भाई बता दो मॉडिफिकेशन क्या क्या करा रखी है। रोजी भाई एक तरफ से आप बताना, एक बार आप बताना, एक बार ये बताएगा, तो आप भी आ जाओ फ्रेम में। हम दोनों की जो मॉडिफिकेशन है ना, मतलब एक दूसरे से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है, ओके सिमिलर है। ठीक है, ये देख लो, इसमें ये लगा है, हाँ ये लगा है। ठीक है, अब कुछ कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ये इतना महंगा क्यों लगा दिया, 5-5 हज़ार का, वर्थ इट है ये? भैया शौक बड़ी चीज होती है, ओके हम लगाने के लिए 300 वाले भी लगा देंगे। पंजी रोटी खानी है लेकिन सोने की थाली में, सोने की थाली में। क्या बात बोली है भाई रोजी भाई ने, क्या बात है। अब रोजी भाई आपने यार वाले मिरर क्यों इंस्टॉल कराया, क्या बोलते हैं पहले तो नाम बताओ। सोच रहा है स्टेल्थ मिरर, अब ठीक है, ये सिर्फ लुक वाइज है ना, मतलब लुक को एनहांस करने के लिए इंडिकेटर वाले आते हैं ना वो लगाने के। ओके ओके ओके, बाकी इसका कॉस्ट क्या है जो ये मिरर्स लगे हुए हैं? ये मिरर्स जो लगे हैं इसका कॉस्ट क्या है? इसका 1100 रुपए, 1100 रुपए कॉस्ट है। ओके, बाकी ये लुक के लिए, बाकी विजिबिलिटी है इसमें अच्छी। ओके, बाकी यार रोजी भाई आपने कार्बन का काम क्यों नहीं कराया? भाई ने कार्बन फाइबर बहुत लगा रखा है, कहाँ पे कराया दिखाओ, डिटेलिंग एक दूसरे से डिटेलिंग ज्यादा कराया मैंने, डिटेलिंग में कराया। अच्छा, हाँ दिखाओ दिखाओ, एक तो मैंने यहाँ कराया। ओके ठीक है, क्या बात, एक मैंने यहाँ कराया, क्या बात है। ठीक है, और नाम के ऊपर भी कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर है, क्या बात है। रोजी को भी भाई ने बड़ा कार्बन फाइबर, ये भी कार्बन फाइबर। इन्हें क्या बोलते हैं ब्रो? लीवर प्रोटेक्टर, लीवर प्रोटेक्टर। ये है वर्थ इट लगाना? बिल्कुल, जब बाइक गिरती है अगर तेरी स्पीड में तो बचा लेते हैं। इधर इधर ये देखो क्यों है वर्थ इट, मैंने नहीं लगाया। जो मतलब इंडियन ब्रांड करते हैं, भारत के ब्रांड नहीं करते, इंडियन ब्रांड हमारी सेफ्टी मतलब कि एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा घर चले जाए, ऐसा फीचर देते हैं, फीचर नहीं एक वो बोलेंगे। इधर आओ, एक चीज दिखाता हूं। हाँ दिखाओ, इसका लीवर प्रोटेक्टर देखो एक बार, लीवर देखो, लीवर। हाँ ठीक है, कहीं कुछ दिख रहा है छेद वगैरह? हाँ ये नहीं, लीवर, लीवर में छेद वगैरह। हाँ दिख रहा है, छेद तो नहीं है यहाँ कहीं? इधर आओ, इसमें है छेद, ये देखो, वो नहीं, वो नहीं, ये देखो दिख रहा है? हाँ ये है, हाँ ये इसमें दिया जाता है ताकि अगर बाइक गिरे तो ये टूटे, इतने से हिस्सा पूरा ना टूटे। ये भाई ने सही बोला, मेरी बाइक गिरी थी तो मेरे बाइक का भी ये वाला हिस्सा इतना हिस्सा टूट गया, अगर वो गिर जाती है तो पूरा टूटता है। सही बोला रोजी भाई ने, बिल्कुल भाई पकड़ वाली बात बोली, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके, बाकी आप दोनों भाई हो, दोनों भाई की गाड़ी में आती है व्हाइट एलईडी लाइट, दोनों बाइकों की सबसे नेक्स्ट लेवल लाइट कौन सी है दोनों में से? आरआर की, इसमें तो आरआर जीत गई है, इसकी दूर से ऐसे लगती है सुपर बाइक, सुपर बाइक आ रही है, क्योंकि ये टेल भी इसकी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है टेल, तो इसकी डुकाटी इंस्पायर्ड है। क्यों रोजी भाई? 150 सेक्शन का लगाऊंगा मिचलिन, ओके ओके, सब देख लो। बाकी रोजी भाई जैसे ना इसमें लिखा हुआ है आरआर में ही, हमारी तेरी हो गई मेरी हो गई, इसमें नीचे लिखा हुआ चेन सेट के बगल में कि अगर आप कोई भी टेल लगाते हो तो मिचलिन का ही प्रेफर करो, अगर कोई बड़ा सेक्शन लगाओगे या कोई दूसरी कंपनी का लगाओगे तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा है कुछ मतलब है रियलिटी? दिक्कत की बात है, क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? इसका डिजाइन है ना, ओके, वो थोड़ा एरोडायनामिक है। ठीक है, ये गाड़ी बनी है कितना ज्यादा घुमा हुआ है ना, और कहीं ना कहीं मिचलिन की लाइफ जो है एमआरएफ से कम है या ज्यादा है? मिचलिन की लाइफ एमआरएफ से कम है ना, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपर वैसी बाइक है, मतलब स्पोर्ट्स टायर है ना, पूरा ट्रैक की एडिशन आते हैं मिचलिन के, स्लिक टायर जो हाई मतलब ये आता है मीडियम सॉफ्ट, ओके, तो चल जाता है 9000। अगर आप अच्छे टायर लोगे ना तो सॉफ्ट रहते हैं एकदम, सॉफ्ट कंपाउंड जिसमें सिलिकन हो, हाइड्रोजन सिलिकन मिक्सचर होता है, okay. जो कम्बस्ट होता है, okay. तो वो टायर 2-3 हज़ार ही चलते हैं, 2-3 हज़ार ही चलते हैं, लेकिन 9000 चलते हैं, मीडियम सॉफ्ट है, वाटर प्रूफ टायर, वाटर प्रूफ है, ओके, मतलब वाटर में ये स्लिप नहीं होंगे अंटिल एंड अनलेस आप ब्रेक ना मारो, ओके ओके। बाकी काउल दोनों ने लगा रखा है, काउल का क्या है, ये कितने का था रोजी भाई बताओ, और ये बता दो भाई मैं इस से बताऊंगा, सायटो वाले तुम्हारा राइस खोल रहा हूँ। ठीक है, ये काउल मैंने मंगाया था सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का उन्होंने मंगाया। ठीक है, मैंने 1100 का मंगाया, मैंने उनसे पूछा भैया, भैया बोल के हमारा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैंने बोला कितने का बोलता 1900 का, तो 1500 दे दियो। ठीक है, 1100 का 1900 बता रहे, बताओ तेरी की, मेरा वाला काउल सिर्फ 1000 का, 1000 का। रोजी भाई आपने क्यों नहीं कराया इसमें कार्बन वगैरह? ब्लैक अच्छी सूट होता है, क्योंकि ये ग्लॉसी ब्लैक है ना, क्योंकि ना पूरा कार्बन है ना, से लेकर मैं कार्बन तक पसंद नहीं है, सही बोल, डिटेलिंग में कार्बन, डिटेलिंग एक चीज नोटिस करिए अपने आगे को पहले, कार्बन बीच कार्बन, में हाँ, फिर यहाँ पे भी कार्बन, हाँ फिर वो भी कार्बन, हाँ मैंने नोटिस करी थी, फिर पीछे भी कार्बन, क्या बात है। हगर, हाँ रोजी भाई, हगर हटाने के बाद जैसे आपने ये पीछे का हगर हटा रखा है तो कीचड़ वगैरह पड़ता है पीछे? नहीं पड़ता, क्योंकि लंबा ऊंची है, ऊंची है, सही बोल, इसमें पड़ता है, देखो ये कितनी उसकी खुद देखो अब कितनी ऊपर है कितनी नीचे। अब रोजी भाई एक बार गाड़ी की चाबी ऑन करना, पीछे की टेल सेक्शन की लाइट दिखाता हूँ, ये वाली भी ऑन करो जो आपकी वाली है, शिवान भाई टेल है पीछे, हाँ मॉडिफाइड टेल है ना, पर लग काफी अच्छी रही है देखने में, जैसे जैसे वो नहीं आ रही नई वाली स्विफ्ट में आ रही है जो लाइट पीछे से
एलईडी वाली जो मतलब बिल्कुल वो बनाती है सीक्वेंस, वैसी लाइट लग रही है। ये देखो क्या बात है यार भाई, इसकी लाइट और इसकी लाइट भाई दोनों की लाइट, इसकी लाइट तो है ही तगड़ी और इसकी भी देखो ना कितनी वो वाली पूरी डुकाटी है, डुकाटी स्पायर्ड है पूरी, क्या बात है। ओके आर वन बाकी एवरेज के बारे में भी बहुत ज्यादा मिथ है लोगों के दिमाग में, रोजी भाई और शिवांश भाई कि R15 को मेरे को तो बहुत सारे बोलते हैं यार R15 पे तू क्यों कंपेयर कर रहा है भाई इसके 310cc से, तो भाई 310 से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि भाई आती तो 2.5 लाख की है भी, सस्ती तो है नहीं, अगर ये 2 लाख के अंडर आए थे तब तो मैं नहीं करता कंपेयर, पर 2.5 लाख तो बहुत होते हैं आज की डेट में, बताओ ना 2.5 लाख अगर कोई वैसा कोई फैमिली वाला बंदा लेगा तो 2.5 लाख तो यार वो देगा तो उसे भाई चाहिए तो बाइक भी कोई वर्थ इट ही मिले, तो एवरेज के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताओ। मैं सच बताऊं, हमने एक बार राइड पे जा रहे थे धनवाल्टी साइड, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे और मैं अर्बन मोड पे चल रहा था, ठीक है, तो मुझे 40 तक का मिल गया था, 40 तक का मिल गया था, धीरे धीरे चलने ठीक है, मतलब 30-40 अगर आप अर्बन मोड में चल रहे थे बिना से लाओगे, ठीक है, और अगर हम अर्बन मोड ही यूज करते हैं लगातार कोई और मोड नहीं करते डे, मतलब जैसे डेली टू कम्यूट में हम अर्बन मोड यूज कर रहे ट्रैक वगैरह हम भूल गए तो कितना दे देगी प्रॉपर? 35 लेकिन इसमें जैसे 7000 RPM पे गई बाकी कितने तक की मॉडिफिकेशन हो रही दोनों बाइकों में, कितने तक की एक अप्रोक्स बताओ? पूरा नहीं सुनो, बाइक पूरी मिला के, बाइक की मॉडिफिकेशन, बाकी तुम्हारा हेलमेट जो हो गया पूरा सेटअप मिला के बताना, बाकी दो रांच भाई रोजी भाई बताओ अप्रॉक्स कितनी मॉडिफिकेशन लगा चुके, मतलब कितना कॉस्ट आ चुका है दोनों बाइकों में? मेरा आ चुका है अप्रॉक्स 31,000 करीब। 31,000 जब से भाई? हाँ ये इंटरकॉम ओके बाइक की मॉडिफिकेशन। ओके ठीक है रोजी भाई आपका? मेरा 40-45 अप्रॉक्स, मेरा हेलमेट थोड़ा महंगा है। ओके अब आप दोनों की आपने कॉस्ट बता दी बाइक मॉडिफिकेशन हेलमेट वगैरह की, अब ये जो हेलमेट में इंटरकॉम चल रहा है इसकी भी थोड़ी मिद दूर करो, क्या है इसका फायदा? ये मतलब कनेक्ट हो जाता है आपस में सैटेलाइट में, जैसे गांव में वाव में, जैसे आप कहीं जंगल में हो, जंगल में आपके नेटवर्क चले गए तो बिना नेटवर्क की बात हो जाएगी? हो जाएगी। ओके ये फायदा है आपके हेलमेट। 1 किलोमीटर गेन, 1 किलोमीटर गेन ना, मतलब ऐसा नहीं 5-6 किलोमीटर में कहीं चले गए तब नहीं होगी? ओके मतलब 1 किलोमीटर होना चाहिए। ओके अब हेलमेट आपका कितने का है? मेरा है 5,500-13,000। इसका 5,500 का है और आपका है 13,000 रुपए। आपका इतना महंगा क्यों? MT Thunder 4 सीरीज है ये। MT Thunder 4 सीरीज। इसका स्पीकर दिखाऊं? दिखाओ। इसमें इसमें महाभारत लगती है पूरी। हाँ इसमें महाभारत। बाकी रोजी भाई और शिवांश भाई यार लोग इतने महंगे महंगे हेलमेट प्रेफर करते हैं, उनका फायदा क्या होता है मेरे हिसाब से? आप ये बताओ। फायदा महंगे हेलमेट के फायदे ही फायदे, कुछ नुकसान नहीं है। बीच में AGV है, AGM कौन सा है? AGV वो इतना ज्यादा क्यों मतलब हाइप में आया था? वो AGV हाइप में नहीं आया था, लोगों ने AGV के हेलमेट महंगे आते थे स्टिकर लगा लगा के चिपका दिए अपने लिए के हेलमेट में, मतलब ने एक क्लिक बेट किया है। ओके बाकी जब से आपने बाइक ली है कुछ आपको दिक्कत ऐसी लगी हो बाइक में कि यार जब से ओरिजिनल हेलमेट है ना किसी के पास नहीं है इंडिया में, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर के पास ही है, बाकी सब ये राइड एक्सेल आते हैं AGV ज्यादा दिखता है 4000 का हेलमेट, उसमें AGV का स्टिकर लगाते थे। पैरन अल्फा पे है जिसका डुकाटी है। ओके ओके बाकी आपसे मैं पूछ रहा था शिवांश भाई कि जब से आपने R15 लिया आपको कभी ऐसा लगा हो R15 चलाने, मतलब इतना टाइम में जब तक हो गया इतना टाइम बाइक को कि यार मैंने यार R15 ले लिया यार मजा नहीं आ रहा बाइक में, कुछ और ले लेता तो शायद अच्छा हो जाता। एक ही चीज लगी। क्या चीज लगी? पावर। ठीक है, माइलेज भी अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है, एरोडायनामिक इसका अच्छा है, पावर। ओके बाकी आपको, आपकी यार बाइक को अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में आपने 6,000 खींच दिया से, मेरे हिसाब से 1 साल में तो आप 50,000 चला दोगे बाइक को। ठीक है आप 50,000 चला दोगे, 25 हिसाब से 6,000 आपने चलाई है, 6,000 किलोमीटर के अंदर आपको कुछ दिक्कत लगी हो बाइक में? वाइब्रेशन तो यार वाइब्रेशन कितनी मिथ क्यों बना रखी है रोजी भाई यार? आर फील नहीं होती थी। मैं वही तो बोल रहा हूँ मेरे को भी इतनी ज्यादा, बल्कि मेरी बाइक में ज्यादा वाइब्रेशन है आपसे, पर मेरे को भी इतना ज्यादा नहीं लगता, पर लोगों ने यार बहुत ज्यादा हाइप मचा रखी कि भाई आर मतलब खराब करना है तो खराब करनी करना ही है। सही बात है, मेरे हिसाब से सारी बाइक अच्छी होती है, अपने आप में सारी बाइक बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक को छोड़ के, इलेक्ट्रिक को छोड़ के। ओके हाँ अब कोई अगर R310 लेने जाएगा और वो BTO लेना चाह रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसे कि लेनी चाहिए बिना कुछ, मतलब कोई और वीडियो देखनी नहीं चाहिए आप सीधा ले लेनी चाहिए? लेनी चाहिए लेकिन ट्रस्टेड जगह से। ट्रस्टेड जगह से सही बात है, सर्विस तो इसकी अभी भी नहीं हुई होगी। सर्विस सेंटर के बारे में बोलो यार जरा कुछ, सर्विस सेंटर वाले जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर ये इंडियन ब्रांड नहीं होता ना तो मैं कुछ बोलता, इंडियन ब्रांड से चुप हूं।
और रोजी भाई जैसे यार एक और चीज पूछनी थी मुझे आपसे, जैसे BMW की G3 RR है जो, वो इससे इतनी महंगी क्यों है, क्या है उसमें ऐसा? ब्रांड वैल्यू ऊपर है, इससे बेकार है वो, सच बात है ना, इससे बेकार है वो। उसमें तीन चीज गंदी है। क्या? इसमें तो एडवांस पेटल डिस्क आती है, ओके, जो ब्रेकिंग इंप्रूव करती है, उसमें नॉर्मल डिस्क आती है सर्कल वाली, ओके। दूसरी चीज में BTO का ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तीसरी ट्रैक मोड वगैरह आते हैं, टायर MRF के होते हैं। MRF के देखो यार, इतने पैसे ले रहे हो और MRF के टायर क्या ही फायदा। बाकी और आप शिवांश भाई, कलर सही है, कोई फेवरेट कलर है ब्लू, आपका फेवरेट है, चलो ठीक है। बाकी आप दोनों सेटिस्फाई हो ना यार, चलो ठीक है यार, थैंक यू टाइम देने के लिए, ठीक है रोजी भाई, थैंक यू सो मच यार, ठीक है शिवांश भाई, हाँ ठीक है, कर देंगे तो ज्यादा करना क्योंकि मैं ऑफिस छोड़ के आया, ठीक है। तो सामने से गाड़ी भी आ गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का, बाय।